मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो किस्म की है। आप कहेंगे दो किस्म की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है? मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन है। नहीं, मल्टीप्लीकेशन दो किस्म की है। वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन क्यों दो किस्म की है, पहले इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और अगर टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो दो किस्म की मल्टीप्लीकेशन में पहली मल्टीप्लीकेशन है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी मल्टीप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, आपको जब जब फिजिक्स चलेगी तो दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने को बोला जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, वर्कडन आएगा, वर्कडन आएगा। तो वर्कडन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सुना हुआ है। अब ये तो रही छोटी क्लास की बात, अभी आप प्लस वन में एंटर हो गए तो आप में से एक स्टूडेंट ने कहा सर फोर्स तो वेक्टर है। हाँ मैंने कहा वेक्टर है। उसने कहा डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है। हाँ मैंने कहा वेक्टर है। तो फिर अगर वेक्टर है, वर्क डन तो स्केलर है, इसकी तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो ये क्या हुआ, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, स्केलर। इसकी डायरेक्शन मुझे चाहिए ही नहीं जबकि ये दो वेक्टर है। और सपोज मैं एक और चैप्टर पढ़ा रहा था, उसके अंदर एक आर वेक्टर था, एक एफ वेक्टर था, फोर्स वेक्टर, आर वेक्टर था, एफ वेक्टर था, और इसका जो आंसर आता है वो टॉर्क होता है, टॉर्क, टॉर्क वेक्टर। अब मैंने आपको ये कहा कि काम करो यार, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, लेकिन आंसर मुझे स्केलर नहीं चाहिए। जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम टॉर्क है और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर मुझे वेक्टर चाहिए, यानी कि मेरे को इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब देखो कितनी बड़ी समस्या है। कभी मैं कहता हूँ कि मुझे आंसर स्केलर चाहिए और कभी मैं कहता हूँ आंसर मुझे वेक्टर चाहिए। अब ये तो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है ना, जिस क्वांटिटी को स्टडी करवाया जा रहा है। अगर मैं वर्क डन स्टडी करवाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों का प्रोडक्ट जब करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आंसर स्केलर आए। और अगर मैं अगर टॉर्क पढ़ाना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आंसर की डायरेक्शन भी आए। तो अब ये फैसला हो गया कि जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंसर स्केलर चाहते हैं या आप आंसर एक वेक्टर चाहते हैं। तो अगर तो आप आंसर स्केलर चाहते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर स्केलर आए, कोई नंबर आए, वेक्टर ना आए, तो उस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और ऐसे ही अगर आंसर वेक्टर आए उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आप वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना मैथ की तरह कि सर ये देखो मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत, ये अलाउड ही नहीं है। तो आपको बीच में बताना पड़ेगा कि आप स्केलर चाहते हैं या आप वेक्टर चाहते हैं। अगर आप स्केलर चाहते हैं तो उसका सिंबल है डॉट, डॉट, और अगर आप वेक्टर चाहते हैं उसका सिंबल क्या है, क्रॉस। तो अगर आज के बाद डॉट लगा होगा आंसर स्केलर आएगा, और अगर क्रॉस लगा होगा आंसर वेक्टर आएगा। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आंसर वेक्टर आएगा, डॉट का मतलब आंसर स्केलर आएगा। कोई डाउट इसमें? आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लीकेशन में अगर मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल उनके बीच में थीटा, और आपसे ये बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस, कॉस ही लेना है, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। याद हो गया फॉर्मूला? इसमें लगाना कैसे है इसको समझते हैं। लगाने के लिए मान लो आपके पास तीन एक्सेस है, एक्स वाई एंड जेड, या आई कैप, जे कैप, के कैप है। मैंने आपसे ये बोला आई डॉट आई निकाल लें। अब आई डॉट आई का फॉर्मूला बोलो, आई का मैग्नीट्यूड वन, आई का मैग्नीट्यूड वन, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, एक वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल क्या होता है, जीरो। तो आंसर क्या आ गया, वन। तो आई डॉट आई क्या होगा, वन। फिर ऐसी जे डॉट जे, जे का मैग्नीट्यूड क्या है, वन, ये यूनिट वेक्टर है, और जे का मैग्नीट्यूड वन, कॉस ऑफ जे और जे में फिर से एंगल क्या होगा, जीरो। तो आंसर कॉस जीरो, आंसर इज वन। ऐसी के डॉट के में वन वन कॉस जीरो, आंसर इज वन। लेकिन अगर मैंने लिखा आई डॉट जे, आई डॉट जे में
मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज 1 और एंगल बिटवीन आई एंड जे इज 90। ये देखो चेक करो, आई और जे में एंगल कितना है 90, तो आई और जे में एंगल 90, तो कॉस 90 क्या है 0। तो ऐसे ही जे और के में कॉस 90 होगा, जे और के में 0, के और आई में 90 की वजह से 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1, आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा 0, जे डॉट के क्या होगा 0 और के डॉट आई क्या होगा 0। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर कर लो, एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूलास, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूलास। तो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री कर लो इनकी, इन सभी फॉर्मूलास की। घर जाके बनाया है फॉर्मूला रजिस्टर, बनाया है, बनाना है घर जाके, वो वाला फॉर्मूला जी तो है ना। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, आई और आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, इसके अलावा अगर कोई भी सिंबल चेंज होंगे तो 0, देखना ही नहीं है, सेम सेम जो होंगे वो 1 है, नहीं तो 0, खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या है ये डॉट प्रोडक्ट और कैसे लगता है इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं इसके बाद। देखो इसकी ना डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने हैं। तो पहली प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की ये है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करें या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैलकुलेट करें, आंसर सेम आएगा। इसको ओपन करेंगे ए बी कॉस थीटा, इसको ओपन करेंगे बी ए कॉस थीटा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। चलो ऐसे ले लो, आई डॉट जे इज 0, जे डॉट आई इज अगेन 0, फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम इसके बाद करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें फर्क पड़ता है, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई डिफरेंट होता है, इसलिए बताने के लिए कि सेम नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एडिशन, मतलब कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा जा सकता है। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल क्या होगा 0, तो जब आप इसे ओपन करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो क्या बनेगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो आंसर सिर्फ ए बी आएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि यार पता ही है अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 करके हम ए बी ही करेंगे तो बात ही खत्म है।
लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा आती है। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एंगल उनके बीच में क्या होगा 90, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करोगे ए बी कॉस 90 आंसर क्या आएगा 0। तो ये फॉर्मूला बुकलेट में एंटर करें, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ये वाली लाइंस एंटर कर लें, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना प्लीज, आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया होगा, आपको क्वेश्चन में बी वेक्टर भी गिवन होगा, ए कैप जे कैप में दे दिया, आपको क्या निकालना है डॉट प्रोडक्ट, आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो ऐसा शुरू करेंगे, उन्हें वो कहेंगे कि हमने क्लास में ये क्वेश्चन का फॉर्मूला ऐसे किया था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लें, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे पहले, वो कैसे अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए का। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट ये पुट कर लेंगे। फिर थीटा पूछेंगे, सर इसमें थीटा नहीं केवल, मैं कहूँगा थीटा दूंगा नहीं मैं आपको, फिर कहेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम कैसे निकलेगा आंसर। तो फिर ये मेथड मत अप्लाई करें, अगर वेक्टर फॉर्म में सब कुछ गिवन है तो आप ऐसा मत अप्लाई करें, ऐसा तब अप्लाई करें जब आपको ए का मैग्नीट्यूड भी पता है, बी का मैग्नीट्यूड भी पता है और एंगल भी पता है, फिर तो अप्लाई करें। अगर नहीं पता तो फिर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख लें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आप लेफ्ट हैंड साइड में ही ए वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, डॉट का डॉट बी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो कुछ ना करें ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई ए बी कॉस थीटा यूज ना करें, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर। अब एक काम करें, मैथ्स लगाएं और पूरे ब्रैकेट को ओपन करें, ओपन कैसे होता है ब्रैकेट, आई को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2i के साथ, फिर आई को 3 के साथ, आई को 4k के साथ करें स्टार्ट। तो आई को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर रख लें, आई डॉट जरूर लगाना है डॉट आई, फिर आई को सेकेंड टर्म के साथ 3 into i dot j, फिर आई को 4k के साथ 4 बाहर i dot k, फिर बारी है 2j की, 2j को 2i के साथ तो 4 बाहर आ गया j dot i, फिर इसको इसके साथ 6 into j dot j, ऐसे पूरा ओपन कर लें, 9 टर्म्स खुलेंगी, खोल लेंगे यहाँ तक। जब 9 टर्म्स खुलेंगी फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें, i dot i क्या होता है 1, i dot j क्या है 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के डॉट आई के डॉट जे 0, आई आई जे जे के रख लो बाकी सब 0, फिर आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, सॉल्व करके आंसर आ गया, आंसर क्या आ गया -4। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब ये करने के बाद एक शॉर्टकट निकलता है, काफी लोग ये सोच रहे होंगे फिर मल्टीप्लाई किया ही क्यों, आधी टर्म तो 6 की 6 तो 0 ही होने वाली है, तो मत करो, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हमें पता है कि आई को आई से करके फायदा है, जे को जे से करके फायदा है, के को के से करके फायदा, सिर्फ आई को आई से करो। तो क्या करेंगे, आई को आई के साथ 2, जे डॉट जे यानी कि 2 into 3 6, के वाली टर्म के साथ -12, आंसर -4। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है, तो शॉर्टकट यही है,
आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, के वाली टर्म के साथ। तो क्या ये टर्म क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है, इसका आंसर क्या होगा निकालो डॉट प्रोडक्ट में, ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के डॉट टू आई माइनस जे प्लस के, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, आई को आई के साथ तो क्या आएगा टू, जे को जे के साथ माइनस वन, के को के साथ वन, आंसर कितना आ गया? तो डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान है, आई आई जे जे के डन। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? तो इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट हमें लेना आ गया। अब क्वेश्चन आएगा कि आपको दो वेक्टर वो देगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और वो ये कहेगा कि प्रूव करो ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे हैं। दो वेक्टर 90 डिग्री पे अगर चेक करना हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट लो, आई वाली टर्म आई के साथ, जे वाली टर्म जे के साथ, के वाली टर्म के साथ, तो ये क्या आएगा? टू माइनस वन माइनस वन, आंसर क्या आ रहा है? जीरो। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, डन। कोई डाउट इसमें? कैसे चेक करना समझ में आ रहा है? उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, आपको क्या निकालना है? और ये भी गिवन है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, आपको निकालना है सी की वैल्यू क्या होगी। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। तो लो डॉट प्रोडक्ट, टू इंटू ये टू आएगा, ये माइनस सी आएगा, ये माइनस 18 आएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जीरो करके सी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट उठा के जीरो कर देना, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको उन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला लिखें पूरा कंप्लीट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। इसे फॉर्मूला रजिस्टर पे एंटर कर लें, कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ए वेक्टर देगा, बी वेक्टर भी देगा, क्या पूछेगा? एंगल पूछेगा, इनके बीच में एंगल क्या है। तो लिख लो फॉर्मूला, कॉस थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए की जगह ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड क्या? अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट लो, आई को आई के साथ माइनस वन, जे को जे के साथ टू, के को के साथ टू, रूट सिक्स और रूट सिक्स, रूट सिक्स, रूट सिक्स क्या है? सिक्स। सॉल्व करके कॉस थीटा क्या आएगा? हाफ। कॉस थीटा हाफ है तो थीटा क्या आएगा? 60। आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये कॉस थीटा की वैल्यूज कैसे निकलेंगी और एंगल कैसे निकलेगा? क्लियर है निकालना? बिल्कुल, ये निकालना पड़ेगा। ए वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए, ए और बी भी चाहिए, चारों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। लगाओ फॉर्मूला, लगाओ, देखो एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर में।
ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी, आई कैप जे कैप के कैप डॉट माइनस आई कैप माइनस जे कैप टू के कैप डिवाइडेड बाय ए का मतलब अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। ठीक, तो इसका जब न्यूमिनेटर में डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, आई को आई के साथ माइनस वन, जे को जे के साथ माइनस वन, के को के साथ टू, नीचे डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूमिनेटर ही क्या देगा आपको आंसर, जीरो। और अगर कॉस थीटा जीरो तो थीटा आंसर क्या आएगा, 90 डिग्री। वो तो तुम कर ही लोगे कुछ दिनों में, अभी जब प्रैक्टिस कर लोगे तो। पहले वैसे जब एंगल निकालने को देता है ना, मैं भी ये चेक कर लेता हूँ मन में डॉट प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं, तो मैं पेन को हाथ ही लगाता, जीरो आ रहा है तो 90। हर बंदा ऐसे ही करेगा थोड़े दिनों में, अभी फर्स्ट टाइम है ना तो थोड़ा लंबा मेथड है, छोट दो तीन बार करने पर सब समझ जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अगर 90 आ रहा है तो ठीक है, जीरो आ रहा है डॉट प्रोडक्ट तो 90 बोल दो, नहीं आ रहा तो सॉल्व कर दो। नेक्स्ट, इसका आंसर रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक काम करते हैं, पहले ना इनका रिजल्टेंट निकालो, इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। बोलो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, ध्यान आगे प्लीज, रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू, आई वाली टर्म को आई में एड करो, क्या आएगा? 8i कैप प्लस 7j कैप प्लस 9k कैप, एड करके रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब कह रहे रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद एक्स एक्सिस, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर ने, ये मान लो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। अगर कुछ गिवन नहीं तो आई कैप तो कम से कम ले ही सकते हैं। तो ये आर वेक्टर है और सपोज ये आई कैप है, तो इनके बीच में मुझे क्या निकालना है? एंगल क्या होगा? कॉस थीटा। तो करें फिर, ये आर वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर क्या है? आई कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यही होता है ना, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्या है? 1 है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आर, इसका 1। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 8i कैप 7j कैप 9i कैप डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 तो 1 है। अब ये बताओ आई डॉट आई क्या होगा? 8, तो कॉस थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है? 194। बस मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा,
तो मैं लिख दूंगा थीटा इज कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1, 94 इज द आंसर, बस आंसर। तो समझ में आ रहा है क्या करना है? तो पहले रिजल्टेंट आर वेक्टर निकला, फिर आर वेक्टर ने एंगल किसके साथ बनाया, एक्स के साथ, आई कैप, तो इन दोनों में एंगल निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आर वेक्टर मुझे पता है डॉट आई कैप, आर का मैग्नीट्यूड पता है, आई को आई से मल्टीप्लाई, तो 8 आएगा आंसर। बोलो एक्स वेक्टर तो फिर अननोन वेक्टर है ना यार, आई कैप ही आएगा, आई कैप एक्स वेक्टर, तो आई कैप प्लस 7j कैप प्लस 18a कैप को आया होगा, मुझे क्या पता, नहीं लिख सकते। मैंने वही लगाया नॉर्मल, उसने बोला द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, उसने ये नहीं कहा ए ने एंगल बनाया, उसने ये नहीं कहा ए और बी में एंगल निकालो, उसने कहा रिजल्टेंट का एंगल निकालो। तो पहले रिजल्टेंट तो निकालो, पहले रिजल्टेंट निकलेगा फिर आंसर निकलेगा। तो मेथड समझ में आ रहा है सबको क्या करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? इंटरेस्टिंग है ये अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलग ही डायमेंशन में चल पड़ा, वो गए स्ट्रेट एंड प्रूफ, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग बड़ी अजीब सी है इसकी, लेकिन एंडिंग अजीब नहीं है, एंडिंग बहुत सही है इसकी। तो डॉट और क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें? लो इसे प्रूव कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाओ, राइट हैंड साइड प्रूव करना है। देखो इसमें ऐसे करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको इसके साथ, तो क्या आएगा 2 × 2 बाहर निकाल लो, ए वेक्टर डॉट, ना ना ना, ए वेक्टर का कभी स्क्वायर नहीं होता, कभी भी भूल के भी ऐसे नहीं बोलना किसी को, ये नहीं होता, अलाउड नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर, क्योंकि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं है, ए वेक्टर या तो डॉट ए वेक्टर है या ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ऐसे है, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर ये टर्म गिवन है, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट ए वेक्टर को इससे करो, तो -3 × a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे, फिर इसको इससे करो +4 × b वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और लास्ट इसको इससे करो -6 × b वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ओपन करना आ गया, डॉट जरूर लगाना, बिना डॉट तो समझ में नहीं आएगा वो करना क्या है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन में डॉट आएगा ही आएगा और स्क्वायर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट 2 × 2 ओपन करो, a × a × cos of, बोलो क्या क्या? जीरो, क्योंकि a वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल क्या बनेगा? जीरो। a वेक्टर भी इधर, वो खुद भी इधर ही a वेक्टर, तो एंगल जीरो। -3 × इसको ओपन करो, a b, अब एंगल इनके बीच में नहीं पता तो cos थीटा, 4 b ए, एंगल नहीं पता तो थीटा, -6 b × b × cos of 0, cos 0 क्या है 1, cos 0 क्या है 1, तो क्या बनेगा 2a square
माइनस थ्री ए बी कॉस थीटा प्लस फोर बी ए कॉस थीटा विल गिव ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा माइनस सिक्स बी स्क्वायर आंसर। यही तो प्रूव करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में तो ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर में ए ए कॉस जीरो यानी कि ए स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है इसमें? हाँ जी ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्री के क्या इंटरप्रिटेशन है इसको समझते हैं, या फिर फाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओवर बी वेक्टर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी एक वेक्टर गिवन है उसका कंपोनेंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके जो ये वेक्टर आएगा वो इसका कंपोनेंट होगा। इस बार एक्स एक्सिस नहीं है, इस बार उसने कहा ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे निकालो। तो कुछ नहीं कर रहा, सेम रूल है, आप ए वेक्टर लिखें और एक पर ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर लें और किस पे गिरें, बी वेक्टर पे। ये जो प्रोजेक्शन आएगी इसका प्रोजेक्शन, ये इसका कंपोनेंट होगा। क्लियर है? और हमने लास्ट टाइम किया था अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये थीटा है, तो ये ए कॉस थीटा। तो जब मैं ये पूछूंगा कि ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर पे क्या है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा, ये वैल्यू है। और अगर मैंने ये पूछ लिया मुझे वेक्टर फॉर्म में आंसर चाहिए, तो डायरेक्शन साथ बता देना, क्या बताओगे, ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा वैल्यू है, लेकिन डायरेक्शन कहां पर जाएगी इसकी, अलोंग बी वेक्टर, क्योंकि कंपोनेंट ही बी वेक्टर के ऊपर निकला हुआ है। कोई डाउट इसमें? लेकिन हम ऐसा लिखना पसंद नहीं करते ना, अलोंग डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो आई कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो जे कैप, अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर तो बी कैप, तो पीछे बी कैप। तो समझ में आ रहा है कि कैसे लिखना है, इसको करना कैसे है, ये करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये ए वेक्टर है, ओवर एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का वेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आई कैप। तो इसका प्रोजेक्शन निकालना है, कॉम्पोनेंट निकालना है इस एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका कॉम्पोनेंट होगा क्या, ए कॉस थीटा, है ना, वही स्टैंडर्ड ए कॉस थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस की जगह पीछे क्या आएगा, आई कैप। कोई डाउट इसमें? अब एक काम करते हैं, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, आप पूरा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा एक तरफ, बी नीचे आ गया, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ए वेक्टर आपको गिवन है, दूसरा वेक्टर कहां पर है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर लेंगे, दूसरा वेक्टर बाय डिफॉल्ट आई कैप, तो यहां पर आई कैप बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, नहीं, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, वन। तो डॉट प्रोडक्ट लें आई को आई के साथ, आंसर क्या आएगा, सिर्फ वन। तो ए कॉस थीटा आई कैप आंसर था, ए कॉस थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट कर दें, वन, और पीछे आई कैप, आंसर वन, आई कैप इज द आंसर। तो रिपीट करता हूं, पहले कंपोनेंट निकाल लें, ए वेक्टर का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस लिखें, इसकी जगह लिखें आई कैप, ए कॉस थीटा वैल्यू ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला लिखें, ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बना लें, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर का मतलब जिसके ऊपर कंपोनेंट गिरना है जो कि एक्स एक्सिस है यानी कि आई कैप, बी का मैग्नीट्यूड है वन, डॉट प्रोडक्ट लें, ए कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दें। इससे बेटर एग्जाम्पल ये है, सेम क्वेश्चन है, इस बार ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर पे, एक्सपेरिमेंट निकालना बी वेक्टर पे, कंप्लीट वेक्टर्स गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, रूल वही रहेगा, ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये ए है, ये थीटा है, तो फिर से क्या आएगा, ए कॉस थीटा। तो आंसर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो आंसर क्या आएगा, कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा along direction of b vector, लेकिन along direction of b vector की जगह क्या लिखेंगे, b cap। अब दो क्वेश्चन बन गए,
आधे क्वेश्चन में ए कॉस थीटा निकालना होगा और आधे क्वेश्चन में बी कैप निकालना होगा। चलो पहले ए कॉस थीटा निकालें, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख लें, ए कॉस थीटा का फॉर्मूला बना लें। ए वेक्टर मुझे गिवन है, बी वेक्टर मुझे गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट ले लें, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, ये ना सॉल्व करके ए कॉस थीटा आएगा। इस ए कॉस थीटा को उठा के यहां पुट कर दें। अब क्या चाहिए आपको, बी कैप। बी कैप के लिए साइड पे लिखें बी वेक्टर। बी वेक्टर से बी कैप कैसे निकलता सिखाया था, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपको पता है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना, रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बी कैप आ गया। इस बी कैप को उठा के यहां पुट कर देना, रूट 11, रूट 11, 11 तो आंसर आएगा। तो रिपीट करता हूं, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन होगा, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर पे निकालना होगा, थीटा बना के ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, यानी कि ए कॉस थीटा बी कैप। ए कॉस थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, डॉट प्रोडक्ट लेके क्या आएगा, ए कॉस थीटा। आधा आंसर आ गया, आधा आंसर बी वेक्टर से निकलेगा, बी वेक्टर से बी कैप निकलेगा, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड पता है, बी कैप आ गया, बी कैप आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, आंसर आ गया। अब आप करेंगे, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो निकाल ले कॉम्पोनेंट ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर। ये ए वेक्टर ले लें और ये बी वेक्टर ले लें, तो आंसर मैंने बताया था क्या लिखेंगे, आंसर क्या होता है, ए कॉस थीटा बी कैप, वही स्टैंडर्ड आंसर है ना, बाकी तो सेम है। तो ए कॉस थीटा बी कैप क्लियर है यहां तक, तो ए कॉस थीटा बी कैप में कोई डाउट इसमें, पिछला केस है। ए कॉस थीटा निकालें, क्योंकि ए वेक्टर का कंपोनेंट हम बी वेक्टर पे निकाल रहे हैं, तो इसमें अगर ये थीटा तो ये ए कॉस थीटा, इसलिए ऐसे। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लें, ए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या करवाया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, स्टेप क्लियर है, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ठीक है। तो ए कॉस थीटा आएगा, तो ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, अंडर रूट ऑफ 27, 13 बाई अंडर रूट ऑफ 27, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ए कॉस थीटा तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ए कॉस थीटा क्लियर है यहाँ तक, अब आपको क्या निकालना है, बी कैप। तो आपको अब बी वेक्टर तो गिवन ही है, बी वेक्टर की वैल्यू कितने गिवन है, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो बी कैप क्या होगा, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर। तो बी कैप की वैल्यू क्या आएगी, 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 27। तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। ए कॉस थीटा मैं निकाल चुका हूं 13 डिवाइडेड बाय रूट 27, और बी कैप मैं निकाल चुका हूं 5 आई कैप प्लस जे कैप
माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट 27, इनको मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा आंसर। मेथड समझ में आ रहा है कि एक वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकलेगा दूसरे वेक्टर पे, वही स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब एक कॉस थीटा अलग निकलेगा, बी कैप अलग निकलेगा, दोनों को जोड़ दो, फिर एक कॉस थीटा अलग निकलेगा, बी कैप अलग निकलेगा, दोनों को फिर ज्वाइन कर लो। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। इतनी तैयारी करके आया आज? अच्छा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन निकालने का तरीका मैंने बता दिया था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट से वर्क डन निकलेगा। कोई मुझे ये बताएगा आज ऐसा क्या दुनिया में वर्क डन निकाल लोगे जो बचपन में निकाला? उसमें तो कभी किसी टीचर ने कहा नहीं, कोई नाइन्थ में, कोई एट्थ में, कोई सेवन्थ में, कि बेटा एफ एक वेक्टर होता है, एस वेक्टर होता है, तो फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। छोटी क्लास में कहते हैं वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तब भी काम चल रहा था, आज काम क्यों नहीं चलेगा? तभी तो चल ही रहा था, जिंदगी तो तब भी ठीक चल रही थी, आंसर भी ठीक आ रहे थे। नहीं तो डायरेक्शन का फर्क पड़े, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये ले मैं नहीं हटा देता हूँ, ये ले फोर्स की वैल्यू, ये ले 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ले ले मेरे से 5 मीटर की, बोल वर्क डन कितना होगा? नहीं होगा 50, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं एफ और एस में एंगल कितना है, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं एफ एस कॉस थीटा एग्जैक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं एफ और एस का तो कोई भी दुनिया में। फॉर्मूला वो इसलिए आज तक ठीक आ रहा था क्योंकि एंगल जीरो ही लग रहा था, क्योंकि 1D में पढ़ रहे थे, हमने कभी फोर्स को किसी एंगल पर लगाया ही नहीं। आपके टीचर ने कहा एफ इस तरफ है, एस इस तरफ है, बाई डिफॉल्ट एंगल जीरो है, तो फॉर्मूला एफ इनटू एस। लेकिन अब हम क्या करेंगे, F इस तरफ है, S इस तरफ है, तो एंगल इनके बीच में 60 डिग्री, तो आंसर एफ एस कॉस 60 आएगा, इसलिए वर्क डन डॉट प्रोडक्ट माना जाता है। सही है? तो अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे सुनो, क्वेश्चन आएंगे F वेक्टर देगा, S वेक्टर देगा, कहेगा वर्क डन निकाल लो, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पता है, एफ वेक्टर की जगह एफ वेक्टर डॉट एस की जगह एस वेक्टर, तो आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, आंसर इतने जुल आंसर है, तो डॉट प्रोडक्ट से आंसर आ जाएंगे। अब जैसे सेम क्वेश्चन है, आज किया भी था, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ दिस वेक्टर, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। देखो जब तक तुम देखो ये इसकी पोजीशंस हैं, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैंने एक शॉर्टकट करवाया था आज स्टार्टिंग ऑफ क्लास में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, शॉर्टकट मारो सीधा, फाइनल क्या बनेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इनिशियल क्या बनेगा, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, दोनों को माइनस करके क्या आएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। सेम क्वेश्चन है जो ट्रायंगल लॉ से किया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर गिवन है, तो वर्क डन क्या होगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट से आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? पावर, पावर का फॉर्मूला कितने लोगों ने सुना हुआ है, एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर है। ठीक है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन अपॉन टाइम क्या होती है, पावर होती है। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर है। फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो एफ के भी ऊपर वेक्टर है, वी के ऊपर वेक्टर है, क्योंकि पावर स्केलर है, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर चाहिए मुझे। अब न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, आपको एफ वेक्टर देगा, आपको वेलोसिटी वेक्टर देगा, आपको कहेगा पावर निकाल दो, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, इस फॉर्मूले में एफ की जगह एफ वेक्टर, वी की जगह वी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर। तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? और ये प्लस टू का पार्ट है, ये करो ना करो ज्यादा फर्क नहीं है, पर फिर भी एक लाइन बता देता हूं, बुक्स में गिवन है। हम एक टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं हम, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए वेक्टर, एरिया वेक्टर होता है, वैसे बता दूं, एरिया द वेक्टर। तो
क्वेश्चन आएगा आपको बी वेक्टर देगा, एरिया वेक्टर देगा, आपसे पूछेगा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स एक स्केलर है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे, डॉट। तो बी वेक्टर पता है, एरिया वेक्टर पता है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर आएगा। ये आएगा नहीं क्वेश्चन, उससे पहले वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बेस पे जो आपका होमवर्क है वो नोट कर लें, ठीक। होमवर्क में सब्जेक्टिव असाइनमेंट्स ओपन करें, सिक्सटीन तक हो गई ना, सेवनटीन, सेवनटीन क्वेश्चन के अंदर सुन लें, सेवनटीन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर शीट नंबर 17 में मार्क करें, क्वेश्चन नंबर वन करना है, टू करना है, थ्री करना है, फोर फाइव करना है, फिफ्थ क्वेश्चन में डी ऑप्शन नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, फिफ्थ में डी नहीं करना, नेक्स्ट सिक्स्थ रहने देना, सिक्स नहीं करना, सेवन्थ कर सकते हो, एट्थ नाइन्थ हो जाएगा, एट नाइन्थ हो जाएगा, टेंथ नहीं होगा, इलेवेंथ नहीं होगा, ट्वेल्थ इलेवेंथ हो जाएगा, थर्टीन्थ हो जाएगा, ओ सॉरी इलेवेंथ नहीं होगा, इलेवेंथ नहीं होगा, ट्वेल्थ थर्टीन्थ फोर्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा, सेवनटीन एटीन हो जाएंगे, नाइनटीन ट्वेंटी हो जाएगा, ट्वेंटी वन नहीं होगा, ट्वेंटी टू होगा, ट्वेंटी थ्री होगा, ट्वेंटी फोर नहीं होगा, ट्वेंटी फाइव होगा, ट्वेंटी सिक्स होगा, ट्वेंटी सेवन नहीं होगा, ठीक। इसके बाद शीट नंबर 18, शीट नंबर 18, 18 में ये सारे क्वेश्चन होंगे। हाँ शीट नंबर 19, हाँ हाँ आज आ रहा हूं मैं उसके ऊपर, शीट नंबर 19 में सारे क्वेश्चन होंगे, बस ये काम है।